लो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन वाला चैनल में स्वागत है। आज हम लोग वीडियो पर जो बात करेंगे वो है तो बिहार ही, लेकिन बिहार के नदियां को समझेंगे और याद करेंगे कौन नदी किस दिशा से आती है और यूपी के साथ कौन कौन सी नदियां बॉर्डर बनाती है, इसको हम लोग याद करेंगे। और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको भी जरूर याद हो जाएगा और जरूर समझ में भी आ जाएगा कि कौन नदियां किस दिशा से निकलती है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक बिहार के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या है, ये तो नॉर्थ हो गया, साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए क्या है कि बिहार के हमारे अपना बिहार जो है ना, दो भाग में कौन सी नदियां बांटती है, गंगा। कौन बांटती है? गंगा। पहले इसको मान लिए गंगा, इधर यूपी से एंट्री करती है, यानी यूपी राज्य से बिहार में आती है और इधर वेस्ट बंगाल में जाकर क्या हो जाता है, वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में उधर चला जाता है। तो इस हमको तो वेस्ट बंगाल नहीं पढ़ना है, सबसे पहले बिहार के बारे में जानना है। उससे पहले देखिए क्या है कि ऊपर में क्या है, नेपाल जो कि हिमालय, और नीचे में क्या है, प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, देखो हम लिखे भी है हिमालय क्या है, उत्तर बिहार। उत्तर बिहार क्या है, उत्तर बिहार में जो नदियां कहाँ से आता है, नेपाल, जो हिमालय, हिमालय से निकलकर आते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी, पहाड़ी नदी कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय नदी कह सकते हैं, दक्षिण बिहार से जाता है। ठीक है ना। अब क्या है, देखिए अपना बिहार क्या है, सबसे पहले अपना बिहार जो बीच में धंसा हुआ है, जैसे मान लेते ये बुक देखिए क्या है, ये बुक है, ये बुक को शायद देखिए, ये बुक है ना, बीच में क्या हुआ है, ये बुक बीच में क्या है, धंसा हुआ है। अब इधर से कोई पानी पानी आ रखते हैं तो ये भी बीच में आएगा और ये भी क्या होगा, बीच में आएगा। इस चित्र में अपना ऐसे मान सकते हैं कि बिहार है। ठीक है, इधर से भी रखेंगे ऐसे और इधर से भी रखेंगे, तो बुक के साइड पर अपना क्या है, बिहार है, तो इसको तो मान लिया हम लोग। अब देखते हैं, देखिए गंगा की लंबाई जो ओवरऑल कितना है, 2525 किलोमीटर। इसको समझिए, गंगा का पूरा लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर। और अपना बिहार में जो है, अपने बिहार में जो गंगा की लंबाई है, देखिए जो बिहार में गंगा की लंबाई कितना है, 445 किलोमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, हम लोग सबसे पहले उत्तर क्या है, उत्तर बिहार के नदी को समझेंगे। ठीक है, कि कौन कौन नदी है जो बिहार में गंगा में आके मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पश्चिम साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या नदी है, घाघरा नदी है। कौन नदी है? घाघरा नदी है। इसको सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं यूपी में। ठीक है, तो हमारे यहाँ में घाघरा नदी हो गया। उसके बाद कौन है, गंडक नदी है। कौन नदी? गंडक नदी। उसके बाद देखिए क्या है, बूढ़ी गंडक। उसके बाद क्या है, बागमती। ठीक है, उसके बाद क्या है, कमला। ये सब उत्तर बिहार की नदी है, सब में पानी बना ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम हिमालय से नदी बर्फ पिघलता है, जिसके कारण पानी इसका सालों भर क्या रहता है, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद क्या है, बागमती। तब क्या है, कमला। उसके बाद क्या है, कोसी। तब सबसे पूरब में बिहार के सबसे पूरब, ठीक है, ईस्टर्न, ठीक है, नदी कौन है, महानंदा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग याद करेंगे अभी, उससे पहले देखिए गंडक नदी है ना, यूपी के साथ बॉर्डर साझा करती है, तो एक ही हो गया। उसके बाद है गंगा नदी, भी यूपी के साथ क्या करती है, बॉर्डर साझा करती है। गंगा नदी जो करती ही है, गंगा नदी करती ही है। अब नीचे समझाए कौन है, तो सबसे पहले देखिए तीन नदियां जो है क्या है, यूपी के साथ बॉर्डर साझा करती है। अब दक्षिण बिहार में आएंगे तो देखेंगे कौन कौन से नदियां यूपी के साथ बॉर्डर साझा करती है। तो अब देखिए क्या है, अब गंगा नदी कैसे याद करेंगे, गंगा में आके मिलती है तो हर घर में क्या रहता है, गंगा जल रहता है। तो हर घर में गंगा जल रहता है, तो घर नदी याद हो गया, घर जैसे हर घर में गंगा जल रहता है, तो घर नदी याद। तो घर नदी सबसे पूछे पूछेगा कि सबसे पश्चिम नदी, उत्तर बिहार में सबसे पश्चिम नदी कौन आके गंगा में मिलती है, तो हम क्या बोलेंगे, घाघरा। क्या बोलते हैं, घाघरा। तो हर घर में तो घाघरा नदी, गंगा जल याद हो गया। उसमें क्या है, गंडक है। क्या है? गंडक है, और ये बूढ़ी गंडक। पहले गंडक मान लीजिए याद कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले यंग था, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाके मिल गया, बुढ़ी, यानी बुढ़ी हो गया, नहीं समझे, तो क्या है, गंडक। तो क्या है, बुढ़ी गंडक। ठीक है, गंडक यंग था, उसके जगह बुढ़ी गंडक मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो गंडक नदी, बुढ़ी गंडक नदी, तीन याद, घाघरा, गंडक, बुढ़ी गंडक। अब इसी में आगे कौन नदी मिलती है, बागमती। कौन नदी? बागमती। ठीक है, कैसे याद करेंगे, देखिए बागमती कमला को, देखिएगा बागमती कमला को कोशिश कर रही है क्या करने का, मनाने का। बागमती कमला को, तो बागमती नदी, कमला को तो कमला नदी, कोशिश मतलब कोसी नदी, क्या कर रही है, कोशिश कर रही है क्या करने का, मनाने का, तो महानंदा। ठीक है ना, तो बागमती कमला को कोशिश कर रही है मनाने का, तो बागमती कमला कोसी महानंदा, याद हो गया। अरे बिहार का शोक पता है किसको कहते हैं,
कोसी नदी को कहते हैं, ठीक है, बहुत रास्ता ही चेंज करते रहती है, ठीक है ना। तो हम लोग ये नदियां जब तक याद कर लिए, अब शुरू से बोले जैसे ट्रिक से बताते हैं, पहले क्या बोले, हर घर में गंगा जल, तो घाघरा नदी, गंडक नदी थी, उसके बाद क्या हो गई बूढ़ी, तो बूढ़ी गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती क्या कर रही है, कमला को कोशिश कर रही है मनाने का, तो बागमती कमला कोशिश मतलब कोसी नदी, और मनाने का तो महानंदा, उत्तर बिहार की नदियां, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब देखिए क्या है, उत्तर बिहार की नदी हम लोग याद कर लिए, अब ये भी देख लीजिए कि उत्तर बिहार की तीन को नदियां है, क्या करती है, दो नदी जो कि यूपी के साथ बॉर्डर साझा करती है, उसके बाद क्या है, गंगा नदी भी क्या करता है, यूपी के साथ बॉर्डर साझा होता है। अब उसके बाद देखते हैं नीचे आते हैं, देखिए उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, तो हम लोग समझेंगे अब दक्षिण बिहार की नदियां, ठीक है। सबसे पहले क्या देखिए, करुणासा नदी, ठीक है, करुणासा ये भी क्या करता है, यूपी के साथ बॉर्डर साझा करता है, यहाँ पे देख लिया। अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन बॉर्डर साझा करता है, एक करुणासा नदी हो गया यूपी के साथ बॉर्डर साझा करता है, और एक गंगा, एक घाघरा और एक गंडक। पूछा कितना नदी है जो बिहार यूपी के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, तो चार नदी, यहाँ तक हो गया। करुणासा कैसे याद करेंगे, इसको देखिए, यहाँ नहाने से क्या होता है, करम समझ रहे हैं, तो इसे क्या करते हैं करुणासा। सोन नदी क्या है, जो सोन नदी, सोनपुर मेला अपने नाम से जानते हैं कि बहुत ही बड़ा मेला लगता है, तो सोनपुर, तो सोन नदी याद कर लेंगे। उससे दिक्कत नहीं। फल्गु नदी, देश पर महात्मा बुद्ध क्या किए थे, ज्ञान का प्राप्ति किए थे बैठकर, इसे निरंजना नदी भी कहते हैं। तो क्या है, करुणासा नदी, सोन नदी, फल्गु नदी, उसके बाद किउल नदी, यही क्या है, अजय नदी है, ठीक है, किउल अजय नदी है। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम लोग फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिहार की नदियां। देखिए सबसे पहले बिहार को दो भाग में कौन सी नदी बांटती है, तो गंगा नदी, बिहार बीच में क्या हुआ है, धंसा हुआ है, जैसे बताए हम बुक के शेप में, जैसे ये बुक रहा ऐसे बताए कि बीच में क्या है, बिहार धंसा हुआ है, जिसके कारण दोनों तरफ से हिमालय नदी हो या इधर से प्रायद्वीपीय नदी है, दोनों कहा जाता है, बीच में ही जाता है, और ये बात है। उसके बाद दक्षिण बिहार का नदियां है जो क्या होता है, सूख भी जाता है, सिंगल नदी कह सकते हैं, ठीक है। 365 दिन इधर की नदियां बहते रहती है, क्योंकि हिमालय से निकलने के कारण क्या होता है, बर्फ पिघलता है, जिसके कारण नदी पानी उसमें आते रहती है। तो यहाँ हो गया, ये चीज हमने देख ली है। उसके बाद बिहार का ओवरऑल लंबाई 2525 किलोमीटर है, बिहार में कितना लंबाई है, 445 किलोमीटर है, साथ में बोलेगा याद जाए। उसके बाद है, हम लोग याद करते हैं सबसे पहले क्या है, घघर नदी याद किए थे, हर घर में गंगा जल है, गंडक थी बाद में बूढ़ी हो गई, तो गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। उसके बाद हम लोग याद किए थे बागमती कोशिश कर रही है मनाने का, यानी बागमती कमला को, बागमती नदी कमला नदी, ठीक है, कमला नदी क्या है, कोसी का सहायक नदी है, बागमती गंडक में आगे बूढ़ी गंडक में आगे मिल जाती है ना, तो बागमती नदी, बागमती कमला को, तो कमला नदी कोशिश कर रही है, मतलब कोसी नदी, कोसी नदी, और मनाने का मतलब महानंदा। सबसे पूर्व का पूछेगा, सबसे पूर्व नदी, सब बिहार का सबसे ईस्टर्न यानी पूर्व में कौन सा नदी है, तो महानंदा नदी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार में आते हैं, तो देखिए दक्षिण बिहार में क्या है, सबसे पहले करुणासा नदी जो कि यूपी के साथ बॉर्डर भी साझा करता है, उसके बाद सोन नदी याद किया तो सोनपुर मेला को साझा कर सकते हैं, फल्गु नदी महात्मा बुद्ध ज्ञान को प्राप्ति किए थे, निरंजना नदी के नाम से जानते हैं, और जैसे किउल नदी, अजय नदी, यहाँ तक हम लोग याद कर लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इससे आगे याद करेंगे और समझने का और पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।